तलहा व्लॉग्स एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। आज मैं दही की कढ़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैं क्या ली हूँ, आधा किलो दही ली हूँ। उसके अंदर मैं मेरे हिसाब से 2 चम्मच बेसन का आटा डालूंगी। हल्दी पाउडर डालूंगी, बड़े टीस्पून से 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, थोड़ा करिया पत्ता डालूंगी, थोड़ा हरा धनिया डालूंगी। ये होममेड है धनिया पाउडर, उसी में मैं जीरा डाल के भून के दोनों मिला के पीसी हूँ मैं, इसलिए मैं एक ही डाल देती हूँ। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच डालूंगी और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची पीसी भी डालूंगी मैं, 2 चम्मच डालूंगी। नींबू का रस डालेंगे 2 चम्मच। ये मैं मेथी दाने डालती हूँ, थोड़े से डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता करी में डालेंगे तो। हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, इसमें इसी में मैं पानी डालूंगी 2 गिलास। मैं पानी डाल चुकी हूँ, अब इसको मैं मिक्स करूंगी। मैं चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ, अब मैं इसको उबाल आए तक पकाऊंगी। अच्छा, हमारी कढ़ी पक रही है, जब तक हम ये भज्जों का आटा मिलाएंगे बेसन। अब इसी में हम क्या करेंगे, मैं हरी मिर्ची के भज्जे तल रही हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिए मेरे तरीके से, आप लोग फिर मेरे को याद करना। आप हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा कोथमीर पुदीना डालेंगे, और मैंने ऐसे खड़ी प्याज काटी हूँ, इसको भी इसी में शामिल कर देंगे। ये सोडा है, सोडा डालूंगी 1/2 टीस्पून। हमारा बैटर तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जो हरी मिर्ची डाली थी उससे कलर बहुत प्यारा आया है। अब मैं इसको एक 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, और इधर कढ़ाई में मैं तेल गरम करूंगी। हमारा पैन में तेल डाल रही हूँ मैं भजिया तलने के लिए। मैं 4 टीस्पून बड़े डालूंगी। हमारे भजियों का कलर बदल चुका है, मैं इसको पीछे पलटाऊंगी। हमारे भजिये तल चुके हैं, हमारे बाकी के हैं वो अभी तल लूंगी मैं, तल के बताऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा आया है, और इसको खोल के भी बताते हैं। देखिए आप लोग, अच्छे हुए हैं अंदर से भी। हमारी कढ़ी पक रही है, मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, 1 पूरा लहसुन का 1 डल्ला छील के मैं इसको मोटा मोटा कुचल ली हूँ, उसके बाद इसी में मिलाऊंगी। ये डालने से हमारी कढ़ी में टेस्ट आता है, आप लोग भी डालिए। देखिए आप लोग, कलर बहुत प्यारा आया है। तेल में मैं बगार डालूंगी, थोड़ा लहसुन, थोड़ी प्याज डालूंगी, सूखी मिर्ची डालूंगी। तो मैं थोड़ा मेथी दाना डालूंगी, और ये राई जीरा डालूंगी। करिया पत्ता डालूंगी,
हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, उसी में मैं फिर भजे डालूंगी। और ये बगार डालूंगी उसी में। हम थोड़ा मिक्स करेंगे। हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, बगार भी दिए हैं। अब हमारा आप लोग देख सकते हैं कलर वलर सब अच्छा आया है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहनों से रिक्वेस्ट है मेरे, जज़ाकल्ला। इसी में मैं थोड़ी प्याज डालूंगी, जब हम खाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका। थोड़ी मैं खड़ी प्याज काट के डाल रही हूँ। मैं डिश आउट कर रही हूँ। सलाम आदाब, और क्या हाल चाल है पब्लिक। आज अपने को टेस्ट करने बिठा दे रहे हो अपनी भैं की कढ़ी बना के। तेरा दिखने में तो किराक दिख रही, चीख मार दिख रही। चलो स्टार्ट करेंगे इसे। देख रहे खाली शेरवा देख रहे, ऐसा है ना बोलता हूँ। चलो देखो जो ऐसा है ना अपना मसाला। हम तो जबरदस्त है। चलो बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। दिखा मेरे को चमचे से नहीं खाते। देखो पहले बोल रहे हैदराबाद के, देखो मालूम है ना हैदराबाद के कैसा खाते हैं। खाते आसे देते हैं। चलो भजिया डाल लिया, प्याज डाल दे रहा हूँ। गर्म है भाई, बहुत गर्म है। बोलो चलो बिस्मिल्लाह। छोटा देखो भाई, छोटा हाथ है मेरा, ये वाला छोटा दिख रहा आपको। बोलो खा लेना मैं तो भैया। प्याज डाल लिया था, प्याज में जो मजा आता ना ऊपर से अम्मी के हाथ का खाना आया दिखना। आप ला भी ट्राई करो, बोलो कैसा बना। मुंह में दाल भर रहा था, पानी आ रहा है मेरा। जबरदस्त बना देखो, पहले
मुझे वो करो, सब्सक्राइब करो, जो नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बोलो कैसा बना, क्या बना, क्या गलती हुई हमारे से, कुछ भी है जो भी है बोलो कमेंट में। आप लोगों की जो आप लोगों के हिसाब से कुछ चाहिए, आप लोगों को कैसा बनना क्या है आप लोग बोले तो वो भी बना के इंशाल्लाह रेसिपी देंगे आप लोगों को। और ज़रा कमेंटों में भर दो ज़रा क्या क्या है क्या नहीं, और अगला रेसिपी क्या बनाना क्या होना वो भी बोल दो ज़रा, और कैसा होना वो भी बोल दो, नाश्ता होना, दोपहर का लंच होना, डिनर होना, क्या होना, जो भी होना बोल दो, जो भी है बोल दो, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, दुआ के दुआ, स्टेक के क्रैक।